हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फैक्ट सीरीज में बात करेंगे स्क्वायरल की, यानी कि गिलहरी की, जो आमतौर पर हम अपने घरों में, पेड़ पौधों में, बाग बगीचों में देखते रहते हैं। सो आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी फैक्ट सीरीज में। सो हियर वी स्टार्ट आवर वीडियो। तो क्या आप जानते हैं नेशनल स्क्वायरल अप्रिसिएशन डे कब मनाया जाता है? ये 21 जनवरी को, यानी कि 21 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि जो स्क्विरल्स होती हैं वो काफ़ी एडोरेबल होती हैं, और आपको पता है वो ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं जिनको देखकर हमें काफ़ी एंजॉय, काफ़ी जॉय मिलता है, काफ़ी खुशी मिलती है। क्या आप जानते हैं ये बर्फ़ में भी 1 फुट तक दबा खाना भी आसानी से ढूंढ सकती हैं? इनको विंटर में ज़्यादा खाना चाहिए होता है, और ये विंटर में भी खाना हमेशा जुटाने में लगी रहती हैं। स्क्विरल्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आर ग्राउंड स्क्विरल्स, सेकेंड आर ट्री स्क्विरल्स, एंड थर्ड आर फ्लाइंग स्क्विरल्स। जानते हैं जो स्क्विरल के सामने वाले 2 टूथ्स होते हैं वो कभी भी ग्रोइंग करना स्टॉप नहीं करते हैं। और क्या आप जानते हैं इनका 25% तक का इकट्ठा किया हुआ खाना चाहे तो दूसरे बर्ड्स खा जाते हैं, या फिर जो इनके जो मेंबर्स होते हैं, जो बाकी गिलहरी होती हैं, वो इनका एडवांटेज, मतलब इनका फ़ायदा उठा लेती हैं और इनका खाना चोरी कर लेती हैं। और क्या आप जानते हैं कि जब स्क्वेल्स को, यानी कि गिलहरी को, जब थ्रेटनिंग फील होती है, जब उनको डर लगता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में वो भागना शुरू कर देते हैं, और वो ज़िगज़ैग शेप में भागते हैं ताकि जो प्रेडेटर आ रहा है पीछे से, कोई भी जो बड़ा पक्षी है, जो उसी, या फिर जो बिल्ली है उसे खाने के लिए आ रही है, वो उसको अच्छी तरह से ना पकड़ पाए। अब वो ज़िगज़ैग शेप में भागती रहती है और इसी तरह से छुटकारा देके अपने जो प्रेडेटर है उससे बच जाती है। आप जानते हैं इनको पोटेंशियल थीव्स भी बोला गया है, क्योंकि जब ये खाना लेके आते हैं तो इनका कोई चोरी कर लेता है, इसलिए वो क्या करती हैं, अपने खाने को एक जगह छिपा देते हैं और उस पर मिट्टी डाल देते हैं, और जब उसको बिना वेस्ट किए, जब तक वो गल नहीं जाता, तो मतलब कहीं गल ना जाए, उससे पहले ही वो उसको खा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर जो भी ये नट्स दबा देते हैं, ये सारे नट्स को नहीं निकालती हैं, जिसकी वजह से नए ट्रीज भी ग्रो अप कर जाते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हद तक अच्छी बात है। जो स्क्वायरल्स के बच्चे होते हैं वो सिर्फ 1 इंच के होते हैं और ब्लाइंड ही पैदा होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अपने आप को ठंड में भी अडेप्ट कर लेती हैं? स्क्वायरल्स काफ़ी एक्रोबैटिक, काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी अडेप्टेबल होती हैं। So guys, this is the end of this video. If you like my video, then give me lots of likes, comments and share my video to more people, to your friends, to your natives and to your neighbors. If you don't subscribe to my channel yet, then subscribe. Just go ahead and subscribe my channel. Hit the bell icon.